नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान और स्वागत करता हूं आपका एक नई और फ्रेश वीडियो में। तो आज हम ये जो आप अभी मेरा मैकबुक देख रहे हैं, हम आज इसकी हार्ड डिस्क चेंज करने वाले हैं। और आज मेरे साथ मेरे सीनियर हैं कुंदन सर, और हम दोनों मिलकर इसकी हार्ड डिस्क को बदलने वाले हैं। और हार्ड डिस्क बदलने के बाद जो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, क्योंकि वो होने वाली है इसके ऊपर 1 GB की। हमारे पास एक सॉलिड स्टेट डिस्क है, एक SSD, तो हम अभी इसमें से हार्ड डिस्क निकालेंगे और एक SSD इंस्टॉल करेंगे, और मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि इसकी स्पीड पर कितना फ़र्क पड़ता है और क्या क्या होता है। तो चलिए जल्दी जल्दी से इसके सारे स्क्रूज खोल लेते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या प्रोसेस है, कैसे ये सारा काम होगा। तो चलिए एक बार इसको खोल लेते हैं, और खोलने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है अंदर से मैक। और जो हार्ड डिस्क हमको चेंज करनी है वो हार्ड डिस्क ये है इसके अंदर यहाँ पर, तो हमको ये खोलनी है और ये चेंज करनी है। तो चलिए इसको भी हम अनस्क्रू कर लेते हैं, इसको भी हम खोल लेते हैं। तो उसके लिए हमको सर ये दो पेज खोलने पड़ेंगे, मेरी हेल्प करिए सर इनको। इस पेज के लिए इसे खुल रहा है? नहीं खुल रहा। इसके लिए थोड़ा सा बड़ा वाला चाहिए होगा, इसे खुल जाएगा। ये लो, तो आपको करना ये है कि पहले आपको ये दो स्क्रूज सही तरीके से खोल लेने हैं, उसके बाद आपको हार्ड डिस्क निकालनी है और SSD आपको इंसर्ट करनी है। और अगर आपकी डिवाइस वारंटी में है तो ये खुद से करने की कोशिश ना करें, तो इसको जस्ट हमको इसको बाहर निकालना है, ये ऐसे करके इसको बाहर निकालना और फिर ऐसे करके अपनी हार्ड डिस्क को निकाल लेना है बाहर। तो अभी हमारी हार्ड डिस्क बाहर आ चुकी है और इसको हम अलग कर लेंगे ये इधर से। तो ये हमारी एकदम अलग हो चुकी है हार्ड ड्राइव, और बस अभी इसके ऊपर ही काम करना है। ये इसके स्क्रूज खोलने हैं और इसका स्टैंड जो है वो दूसरे अपने जो SSD है हमारे पास इसके यहाँ साइड में स्क्रूज लगाने हैं। तो चलिए पहले मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आता हूँ। तो हमको सिंपल वे करना है कि जो ये आप देख रहे हैं ये इसके अंदर इंसर्ट कर देना है, ऐसे करके बड़े प्यार से करने हैं सारे काम। और मैं फिर कहता हूँ, अगर आपका लैपटॉप वारंटी में है तो भाई खुद से कुछ भी ट्राई ना करें, एप्पल केयर ले जाएं और तरीके से काम करें। अब सिंपल ये जो था इसको यहीं पे रख देना है जैसे आपने उठाया था वैसे ही, और इसके जो स्क्रूज हैं उनको टाइट कर देना है जैसे वो थे। फिर आती है बारी हमारे बैक पैनल की। तो अभी हम हमारी जो हार्ड डिस्क है वो लग चुकी है, मतलब SSD लग चुकी है, और आपको हमें अब बैक पैनल को इंस्टॉल करना है। तो और इस हार्ड ड्राइव का हम क्या करेंगे, तो इस हार्ड ड्राइव को हम जो हार्ड ड्राइव का हमारा ये केस था तो हमको इसके अंदर ही इस हार्ड ड्राइव को इंसर्ट कर देना है। और सिंपल जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये रखना ज़रूरी है जिससे मतलब कोई भी शॉक आए तो आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो बची रहे, उसको कोई नुकसान ना हो। तो चलिए अब इसको कर देते हैं बंद, और ये हार्ड ड्राइव आपके बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। तो चलिए इसको मैं बंद कर देते हैं अभी लैपटॉप को।